तो चलिए आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बाम मछली की ग्रेवी, कच्चे मसाले की। यहाँ पर मैंने मच्छी को अदरक लहसुन नमक और हल्दी डालकर भाप लगा लिया है। एक साइड में मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज और खोपरे का बड़ा टुकड़ा लिया है, इसे बारीक काट लिया है। अब इसे हम अदरक लहसुन डालकर मिक्सी में अच्छे से बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्सी में पीस लिया है। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल ऐड किया है। अब इसमें मैं 3 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग और 1 बड़ा इंच का दालचीनी का टुकड़ा और डालकर इसे तड़कने देते हैं। फिर इसमें हम मसाला ऐड करेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें काला मसाला ऐड करेंगे और इसे भी अच्छा तेल छूटने तक भून लेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे वापस पकने देते हैं और 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। मसाला अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें मछली ऐड करेंगे। आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। और इसे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे ढककर। आप चाहे तो इसकी ग्रेवी थिक भी रख सकते हो, मैंने ज़्यादा थिक भी नहीं रखी है और ज़्यादा पतली भी नहीं की है। यह हमारी ग्रेवी रेडी है।